केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित पारित विधेयक का राज्य सरकार के स्थगन का विरोध किया है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में संसद में किसानों के हित में 3 कृषि विधेयक पारित किए गए, वहीं महाराष्ट्र राज्य के महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा इस विधेयक को किसानों के हित के विरुद्ध बताकर उस पर स्थगनादेश लाकर किसान विरोधी भूमिका उजागर की है। इस स्थगनादेश के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष के आदेशानुसार भाजपा के जिला उपाध्यक्ष चरण सिंह ठाकुर, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष संदीप सरोदे के नेतृत्व में कृषि बिल के समर्थन में तहसीलदार अजय चर्डे को ज्ञापन सौंप कर स्थगनादेश हटाने की मांग की। साथ ही राज्य सरकार के स्थगनादेश के प्रतिया को 7 अक्टूबर को काटोल तहसील कार्यालय के सामने जलाकर महाविकास आघाड़ी सरकार का निषेध का ज्ञापन दिया। साथ ही जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर किशोर रेवतकर, जितेंद्र तुपकर, लक्ष्मीकांत काकड़े, राजू चर्डे, किशोर गाढ़वे, राजेंद्र सरोदे और अन्य बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष संदीप सरोदे ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को अपना कृषि उत्पादित फसल देश में कहीं पर भी बेचने के विधायक के साथ कृषि उद्योगों में परावर्तित करने में किसानों को स्वायत्तता मिलने वाली है, किंतु राज्यों में राजनीति के चलते किसानों को गुमराह कर केंद्र सरकार ने पारित किए बिल पर रोक लगाने हेतु स्थगित लाई। यह स्थगनादेश किसान विरोधी होने की जानकारी जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष संदीप सरोदे ने दी है।